को मजबूर है। जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी जब परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो दबंगों के डर से एक दलित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। अब परिवार का इंतजार इंसाफ की आस में बीत रहा है। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं। घर में लगे मकान बिकाऊ की पैम्पलेट, बेबस घरों में बैठा परिवार अपने दर्द की दास्तान सुनाए तो सुनाए किसे। इंसाफ की आस में खाकी की चौखट तक दौड़ चुका परिवार अब हिम्मत हार चुका है, क्योंकि जिस आशियाने को उसने अपना बसेरा बनाया था अब उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वजह उसका जाति से दलित होना है। सवाल यही है, क्या दलित होना पाप है। मामला यूपी के सीतापुर थाना थानगांव के कैथोरा गांव का है, जहां पर पूरे गांव में सिर्फ एक ही मकान दलित परिवार का है, जिसके चलते दलित परिवार का जीवन यापन इस तरह होता है जैसे 32 दांतों के बीच जुबान। फिर भी बीते दिनों मामूली बातों पर दलितों के साथ घर में घुसकर मारपीट और बेइज्जत किया गया। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में तहरीर दिए जाने पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते दबंगों के हौसले बुलंद है। गांव के रहा नहीं रहे, पूरे ब्राह्मण है, तीन सौ बकरी है ब्राह्मण के लिए और दो बकरी खाली चमारन के लिए। साहब तो मरी है पीठे मेरी के घर में घुस के मारिन, जब हम बचाव दौड़न तो हम का मारे बिकेल ढकेल दिए तो एक खोपड़ी फाट गए, हम का मारते तो खोपड़ी फाट गए साहब, तो आका लाग गए पाँव चौड़ लग गई सब चोट लग गई सब गए और थाने गए तो हमारा रिपोर्ट लिखी ना गए ना डॉक्टरी साहब हमारे भाई कौन सुनवाई नहीं तो कौन भाग जा भाई। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से दलित परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार पर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पीड़ितों की माने तो दबंग ये भी धमकी दे रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे तुम्हें ऐसे गंभीर मुकदमे में फंसा देंगे जहां पूरी जिंदगी तुम्हारी जेल में कट जाएगी। घर से निकलने पर और अपने खेत में जाने पर नजरबंदी की जा रही है। परिवार इलाके के विधायक पर भी आरोप लगा रहा है कि हमारी कहीं भी नहीं सुनी जा रही। इससे दलित परिवार घर में ही कैद रहने को मजबूर है। ऐसे हालातों में दबंगों के डर से पीड़ित दलित परिवार घर मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। यहाँ जो थाने गए थे तो थाने में जो दरोगा जो है जो रिपोर्ट लिख लिया, लेकिन जो रिपोर्ट लिख लिया है उसके बाद उन्होंने जो है अपने औरतों को लेके जा करके दक्षिण साइड में और चिल्ला दिया और 354 मुकदमा लगा दिया। दलित परिवार ने अपने घर पर ही चस्पा किया है। पोस्टर इस पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी महमूदाबाद से बात की गई तो उन्होंने पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी सुरक्षा दिलाने की बात कही है। ये एक मुकदमा लिखा गया है जहाँ कोई जाति का व्यक्ति है, शराब मारपीट की घटना हुई थी, उसमें अनुसूचित जनजाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी विवेचना मैं स्वयं कर रहा हूँ। रूल रोड्स के आधार पर विवेचना में निस्तारण किया जाएगा। विपक्षी पक्ष ने भी अनुसूचित जाति वाले व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी थी, उसका ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी बात को लेकर के वो उसने दरखास्त दिया है कि मैं गांव छोड़ने को मजबूर हूँ, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। पीड़ित को पूरा न्याय दिया जाएगा और अगर उसको इस तरह की कोई समस्या है तो उसका पूरा सुरक्षा किया जाएगा। दलित उत्पीड़न का यूपी में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दलितों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जाँच होना अभी बाकी है। लेकिन जांच के बीच न्याय कब मिलेगा और न्याय मिलने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये देखना भाई बाकी है। मकान छोड़कर इसलिए सिर्फ जाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको दबंगों ने इनको गांव में रहने से मना कर रहे हैं और लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि गांव वालों ने पहले तो दबंगों ने इनके घर पर जाके मारपीट की और उसके बाद जो है यहां पर उनके महिलाओं को पीटा और उसके बाद थाने में जाते हैं तो उनकी तहरीर नहीं लिखी जाती, बड़ी मुश्किल से उनकी तहरीर लिखी गई, लेकिन उसके बाद भी उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दलित हैं इसलिए शायद इनको प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे गाँव में और इसीलिए इनको गाँव छोड़कर मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो ये पलायन का मामला सामने आ रहा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको शायद सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है।
है पुलिस की तरफ से, जिसके चलते ये गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज इंडिया। तो फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दलित है, इसलिए शायद इनको प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे गाँव में, और इसीलिए इनको गाँव छोड़कर मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो ये पलायन का मामला सामने आ रहा है और लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इनको शायद सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पुलिस की तरफ से, जिसके चलते ये गाँव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज इंडिया। कोरोना